Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मवाना थाने में पुलिस से हाथापाई करने वाला ईशांत खटीक उनका भतीजा है। दिनेश खटीक ने कहा कि गिरफ्तार ईशांत खटीक खनन माफिया है और थाना मवाना पुलिस का उसे खुला संरक्षण प्राप्त है। थाना पुलिस की मदद से वे क्षेत्र में अवैध खनन करता आ रहा है। राज्य मंत्री ने एक बार फिर यह आरोप लगाकर यूपी पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया है कि मवाना थाना अध्यक्ष और वह दरोगा पैसे लेकर अवैध खनन कराते हैं। आपको बता दें कि मवाना व गंगानगर क्षेत्र में अवैध निर्माण व कच्ची कॉलोनियों की इन दिनों बाढ़ आई हुई है। यहाँ मिट्टी की जरूरत होती है, लिहाजा आसपास के इलाके में जमकर मिट्टी की अवैध खुदाई हो रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण व सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का इन माफियाओं को खुला संरक्षण है। दरअसल मवाना थाने के ग्राम सठला में पुलिस ने अवैध खनन करते जेसीबी मशीन आदि को जब्त कर लिया था, लेकिन मेरठ की चुस्त पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। ईशांत खटीक सत्ता के नशे में थाने खुद ही पहुंच गया। आरोप है कि वहां उसने दरोगा सतीश आदि से हाथापाई कर दी, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खटीक होने के कारण ईशांत का नाम सीधे सीधे राज्य मंत्री दिनेश खटीक से जोड़ दिया गया है। आज एक शोक सभा में मेरठ पहुंचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद के समक्ष यह मामला उठा तो राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मीडिया से यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। मंत्री जी, आपके भतीजे के ऊपर अवैध खनन का आरोप लगे हैं और पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कराया, क्या है, पुलिस ने गाली गलौज करी, क्या है, कौन है वो आपका? आप बहुत गलत बात बोल रहे हो। ये मेरे पर आरोप नहीं लगे, जो आरोपी पकड़ा गया है वो खनन माफिया है और वो सीधा सीधा पुलिस से मिली भगत करके ये खनन करता है। उसकी सब लोगों ने शिकायत की है, उसमें हमने भी शिकायत की है, लेकिन कुछ हमारे मीडिया मित्र बंधु उसको हमारे परिवार का बताते हैं। हमारे परिवार का वो कोई हिस्सा नहीं है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मेरठ पुलिस की संलिप्तता है इस खनन में? क्या मेरठ पुलिस की संलिप्तता है इस खनन में? मवाना पुलिस की संलिप्तता है, मेरठ की नहीं। जहाँ का ये केस है वहाँ की है, वहाँ के थाना अध्यक्ष और वो दरोगा वो सब लोग इनसे पैसा लेकर के खनन कराते हैं और आज पकड़ा गया है तो किसी राजनीतिक लोगों से उसको जोड़ रहे हैं। वो बिरादरी का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उससे किसी को जोड़ना ये गलत बात है। आपका कोई रिलेशन नहीं? मेरा कोई रिलेशन नहीं है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।